अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता हूँ जो कि अभी स्टार्टअप में हैं। आज मैं उनको बताऊँगा कि एजेंट प्रो की बजाय हम मेलिसा अकाउंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च करते हैं और प्रॉपर्टी इनको हासिल करने के लिए कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो एड्रेस गिवन होता है, देखें ये जो एड्रेस गिवन है इसको हम गूगल पर सर्च करते हैं। जैसे ही हम गूगल पे जो एड्रेस गिवन होता है उसको सर्च करते हैं, उसके बाद वो कंप्लीट एड्रेस में आ जाता है, उसके बाद उसके मैपिंग भी वगैरह मैप्स वगैरह आ जाते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और देखें मेलिसा अकाउंट पे हम इसको सर्च करते हैं, हम इंटर पर क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास ये आ गया ओनर नेम सीमा प्रॉपर्टीज LLC। अब हम इसको करते हैं इधर इंटर पेस्ट करते हैं और उसके बाद ये है इसका मेलिंग एड्रेस। ये मेलिंग एड्रेस हमने उठाया और इधर आके पेस्ट कर दिया। याद रहे कि ये वैकेंट लर्न लिस्ट है। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए कि आया कि हमने ट्रू ऑनर फाइंड किया है कि नहीं। हमारे पास लिस्ट में गिवन होता है, कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी नहीं गिवन होता। ये देखिए सीमा प्रॉपर्टीज LLC, ये वही है जो मैंने निकाला। उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रोसीजर होता है कि उसके स्किप ट्रेसिंग होती है, मतलब मिसाल के तौर पर हम उसकी ऑन मुकम्मल कंप्लीट इन्फो कैसे हासिल करते हैं। ओपन कॉर्पोरेट हमारे पास एक साइट है जिससे हम कंपनीज वगैरह को सर्च करते हैं और उसी के साथ ये देखें हमें कैलिफोर्निया की चाहिए थे तो हम कैलिफोर्निया का फिल्टर लगाया हमने। ये देखें ये आ गई सीमा प्रॉपर्टीज LLC, ये आ गया उसका जो कॉन्टैक्ट या एजेंट नेम या डायरेक्टर या ऑफिसर, ये उसका नेम आ गया। हम इसको शीट में कन्वर्ट करते हैं शीट में। उसके बाद हम इसका मेलिंग एड्रेस भी उठा लेते हैं। अब देखें ये एजेंट एड्रेस है, हम इसको इधर आके पेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है इसका डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए, नेम ऑफ कोर्स चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद इसको हम फाइंड करने के लिए इसी के एड्रेस को हम फास्ट पीपल सर्च पे सर्च करते हैं। इधर से सर्च करने के बाद हम अब मैच करना है कि एग्जैक्ट पर्सन जो था, देखें हमारे पास जो शीट में बंदा था किरो था। अब ये देखें इधर भी वही सेम पर्सन है। हम इसके फ़ोन नंबर भी कॉपी करेंगे। अब हमारे पास एक टास्क गिवन होता है कि बाद अवकात के हमें ना उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। हम नीचे क्लिक करते हैं और इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो होती है ये देखें ये दे लिखे खड़ी है, मार्च 1949 में ये पैदा हुआ था। अब ये हम इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ऑफ कैंसिल कर दें और यहाँ देखें। अब नेम ऑफ स्पॉस या उसका जो बीवी का नाम है या उसके जो अगर हस्बैंड है तो उसकी बीवी होगी साफर है, और अगर जो वाइफ है तो उसका हस्बैंड होगा। ये देखें एलिसिया ये उसकी वो है वाइफ है, ये उसका आ गया। उसके बाद हम देखते हैं मोबाइल नंबर्स होते हैं और दूसरे होते हैं वर्क। जो मोबाइल नंबर होते हैं वो होते हैं असल में कंसीडर किए जाते हैं वो नंबर जो कि वायरलेस में होते हैं, और जो लैंडलाइन में होते हैं वो होते हैं वर्क फ़ोन नंबर। अब हम वर्क फ़ोन नंबर हमारे पास दो हैं, देखें ये आ गया फर्स्ट सेकंड लास्ट और ये फर्स्ट जो है हमारे पास लैंडलाइन थे, हम इसको इंटर करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में हमें एक ही फाइंड आउट हुआ, तो अगर हमारे पास ज़्यादा गिवन होते हैं तो हम ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं, अदरवाइज हमारे पास नहीं होते तो हम एक ही को पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड लीड पर जाते हैं। बाज़ अवकात हमारे पास ना कुछ ऐसी लीड्स आ जाती हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने में मुश्किल होती है, मतलब उसका जो एड्रेस होता है मेलिसा पे नहीं मिल रहा होता। देखें हम मेलिसा पे इसको सर्च करते हैं। अब हमारा मेलिसा पे इसको सर्च करना, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इधर रिजल्ट जो है गिवन है ऑलरेडी वो है फैमिली ट्रस्ट है, उसके बाद फ्रैंक डी गर्सनी ये उसका नाम है। तो हम इस इधर साथ देखते हैं कि क्या है, ये है बेकस इंटरप्राइज LLC, ये गलत है। तो हम इसके लिए गूगल इधर सर्च करते हैं एजेंट प्रो में। देखिए मैंने एजेंट प्रो का अकाउंट बना रखा है, आप भी बना लेना क्योंकि एजेंट प्रो का अकाउंट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने पहले ही प्रेफर कर रखा है उसे।
हम ऐसी लिस्ट कर रहे होते हैं तो हमें एजेंट प्रो की भी जरूरत पड़ती है और मेलिसा अकाउंट की भी। अब हम सर्च करते हैं एजेंट प्रो पर। मेरे पास थोड़ा सा नेट स्लो था, इस वजह से ये लेट हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास नेट अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अपने हमने इधर सर्च करना है कैलिफोर्निया, उसने पहले देख रखा है। हमने इधर एड्रेस पुटअप करना है, व्यू रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। अब इधर भी देखें, नो प्रॉपर्टीज फाउंड। तो हमारा नेक्स्ट काम होता है हम गूगल मैपिंग करके, और उसी एग्जैक्ट हम करते हैं, मतलब एग्जैक्ट पर्सन जो होता है या प्रॉपर्टी होती है, हम उसको सर्च करते हैं। अब हम इधर क्लिक करते हैं, इधर वो पूरा एड्रेस प्रोसेस करते हैं, और उधर एरियल की रोड को हम कन्वर्ट कर देते हैं। रोड मैप में आएगा तो हमें सही जो इन्फो होगी वो सही मिलेगी। ये देखें, हमारे पास ये जो है ये लोकेशन है करंट, जो हमें एग्जैक्ट जगह चाहिए, उस जगह की लोकेशन ये है। हम इधर भी वही देखेंगे कि यहाँ कितना कौन सा है, मतलब कि हम इधर सर्च करते हैं। ये 2210 है तो हमें 21 से चाहिए। हम दूसरी पे क्लिक करते हैं, ये भी मैच नहीं है, तो हम एक और जगह क्लिक करते हैं। जूम आउट करते जाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखें, ये 2180 मुकम्मल कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमने एग्जैक्ट जो डेटाबेस है हमने ढूंढ निकाला। अब हम इसको ओपन करते हैं और इसका डाटा पुटअप करते हैं, और नेक्स्ट प्रोसीजर में हम वही करते हैं जो हमने पहले किया। नेक्स्ट प्रोसीजर में तो हमने जस्ट उसकी स्किप ट्रेसिंग करनी होती है। फर्स्ट प्रोसीजर में हमें ये देखें, वही आ गया एग्जैक्ट पर्सन जो हमें शीट में गिवन था, ये राइट पर्सन है। अब हम इसका जो एड्रेस होता है वो डाल देते हैं लिस्ट में। अब हमने देखना है कि इसका जो हमें डाटा चाहिए वो हम फास्ट पेपर सर्च पे देखते हैं कि हमें कैसे मिलता है। देखें, ये आ गया फ्रैंक, ये उसी का है। हमें चाहिए था कि हम एग्जैक्ट पर्सन ढूंढें। ये जो फैमिली ट्रस्ट होती है उसमें वही होता है, कोई भी पर्सन अगर उसकी कास्ट से मिल जाए तो वही एग्जैक्ट पर्सन होता है। अब ये आ गया, उसके बाद इसका भी मेलिंग एड्रेस जो होता है हमने गिवन होता है, उसको हम पेस्ट कर देते हैं इधर। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमें कैसे पता चलेगा कि हम नीचे देखते हैं उसकी डिटेल्स में, ये आ गया अगस्त ऑफ 1960 की पैदाइश है। हम इसको स्किप कर देते हैं, और उसके बाद नेम ऑफ स्पोस, उसके जो फर्स्ट रिलेटिव होता है या उसका हस्बैंड होता है या उसकी वाइफ होती है, तो ये आ गया मेलिसा। उसके बाद हमने मोबाइल और लैंडलाइन और वायरलेस का निशानदाही करनी है। इसमें हम लैंडलाइन डालेंगे वर्क में,
और हम वायरलेस डालेंगे मोबाइल नंबर में। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट वर्क होता है, इसकी ईमेल देखनी होती है कि हमारे पास ईमेल जो है इसने गिवन होती है, जो वेरीफाइड ईमेल होती है हमने वो डालनी होती है। हम इसको शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेरीफाइड है या नहीं है। देखिए फर्स्ट नॉन वेरीफाइड है, सेकंड भी नॉन वेरीफाइड है और थर्ड भी। ऐसे में हमें इसके रिलेटिव्स वगैरह के ईमेल्स देखने होते हैं तो हम इसको कैंसिल करते हैं और हमने ये नहीं डालने। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।